खुशी की बात है। अच्छा, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि सबसे पहले अगर हेडिंग हो तो पहचानिएगा इस सवाल को इन्वेंट्री वैल्यूएशन या इन्वेंट्री सिस्टम के नाम से। ठीक है, जो लोग कर लीजिए, मैं पहले भी नहीं तो बता दूं कि इसमें दो सवाल है। एक मटेरियल कॉस्टिंग का सवाल है, उसको पहचानना आसान होगा, वो कॉस्टिंग लॉसेस वाले, वो जब जैसे अगला चैप्टर पढ़ोगे उसको फिर रिकग्नाइज करना मुश्किल नहीं होगा। इसमें सिर्फ ये पहचान की मेन बात है। और यहां का डाटा जो होगा उसमें लाजमी सी बात है, आपको भी अंदाजा हो गया कि यूनिट्स का जिक्र होगा, यूनिट कॉस्ट का जिक्र होगा और आपके पास जिक्र होगा टोटल कॉस्ट का, यानी इन्वेंट्री के हवाले से। इस सवाल के रिक्वायर्ड को अगर आप पढ़ें तो आपने एक एलसीएम रूल देखा, आपने आप लिखा हुआ है, और एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है। क्या ख्याल है, इन दोनों मेथड से वाकफियत है आपकी पार्टनर में या नहीं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से सर। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट वन के अंदर आपके पास ये मेथड मौजूद था। यस सर। लेकिन इस तरह से आप लोग खामोश है, इसका मतलब है कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आपको याद नहीं, याद है चेहरा आपने। खैर सुन लीजिए, पहले मैं चंद बात बताता हूं ताकि पहले आप उस चीज को रिकॉल कर लीजिए, दो बातों को, और उसके बाद आप समझिए। पहले मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन समझाता हूं आसानी के साथ। एक बार ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मली स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन या जो एलसीएम है, ये मेथड परपेचुअल सिस्टम में नहीं होते, ये मेथड हमेशा पीरियोडिक सिस्टम में होते हैं, क्योंकि इनमें जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन होती है वो अमूमन साल या महीने या पीरियड के खत्म पर होती है। तो उस खत्म पे होने की वजह से हर हमें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान में रखिए कि किस तरह होंगे, बताते हुए ले जाता हूं। एक सवाल आता था आपको अगर याद हो, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप हमेशा पार्ट वन में एक इस तरह से शेड्यूल बनाया करते थे जिसका नाम होता था डेट, पर्टिकुलर, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। याद है कुछ इस तरह के आपका एक शेड्यूल बनाने का हमेशा काम हुआ करता था जब आप पीरियोडिक सिस्टम पे काम करते थे। याद है? Yes, sir. बहुत ही गंदा सा बन गया लेकिन दरअसल इसी पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक चीज नोट कीजिए कि इसमें होता क्या था। मैं कोई डाटा किस किताब से नहीं दे रहा, सिर्फ आपके सामने बोल रहा हूं और कोई डाटा लिख रहा हूं कि फर्स्ट कीजिए कि जो भी महीना था, जैसे जनवरी है तो जनवरी की फर्स्ट को आपको कहा गया कि जनाब बैलेंस में 100 यूनिट पड़े थे, हर यूनिट 10 रुपए का था, टोटल कॉस्ट कितनी थी 1000। 15 तारीख को पहली परचेजेस होती है आसानी की खातिर, 200 यूनिट खरीदे गए, 12 रुपए के हिसाब से खरीदे गए 2400 रुपए। 30 तारीख को फिर परचेजेस होती है, 300 यूनिट खरीदे गए, 13 के हिसाब से खरीदे गए कितना 3900। कोई मुश्किल बात 900 यानी समझ लिया, डाटा दिया था आपने। टोटल कितने यूनिट्स हो गए 600। टोटल कॉस्ट क्या हो गई 6300। पक्का 7300 नहीं है, 7300। ठीक है, अब आपको बताया गया कि जो 600 यूनिट थे इसमें से 400 यूनिट्स क्या हो गए, शोर हो गए, तो कितने बच गए 200। किसी बात है 200 क्या हो गए, रह गए अनसोल्ड, रह गए यही अनसोल्ड है, यही एंडिंग इन्वेंट्री है। तो पीरियोडिक में सबसे पहला काम यही होगा कि हम एंडिंग इन्वेंट्री निकालते हैं और फिर हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना लिया करते हैं। तो अगर तुमसे कहा जाए कि एंडिंग इन्वेंट्री निकालो तो अब इसमें भी आप फीफो भी अप्लाई कर सकते हैं, फीफो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फीफो के हिसाब से कहा जाए मिसाल के तौर पे, अगर सिर्फ समझाने के लिए ताकि पीरियोडिक हम बैठ जाए जहन में, कि अगर यही सवाल आया और कहा बताओ फीफो से क्या एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू, याद रहे कि हम हर दफा क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री जो बच गई। तो एंडिंग इन्वेंट्री फीफो में कितनी होगी 200। सर 200 फीफो में सोल्ड कहां से हो जाते हैं, शोर से,
बचे हुए कहां पे होते हैं? एंड से। अच्छा अब पीरियोडिक और पर जो पार्ट वन और पार्ट टू में ज्यादा फर्क है। पार्ट वन में हम बड़ी दाने शाने लगा के करते थे क्योंकि वहां इन्वेंट्री वैल्यूएशन ही के नंबर होते हैं। यहाँ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद जो काम करना है सब उसके नंबर है। चलो तेजी के साथ करवा रहा हूँ। फॉर्मेटिंग आप ऐसी चाहें तो पूरा बना सकते हैं और मेरा ख्याल फॉर्मेट तो ध्यान होगा। तो लीफो के फीफो के हिसाब से बचे हुए यूनिट्स एंडिंग एरर्स कैसे होंगे? एरर यानी जो बचे हुए होगी उसकी डेट होगी जनवरी की कौन सी तारीख सीरीज, उसके यूनिट्स कितने होंगे 200 और वो कितने का होगा 13 200 × 13 2600। इज इट क्लियर? यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से क्या होगा? सर 100 से 100 तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से जो होगा 112 लास्ट के भी बचे हुए होंगे, शुरू के बचे हुए होंगे लेकिन शुरू वाली लॉट में तो सिर्फ 100 बचे हुए जबकि हमें कितने चाहिए 200। तो जो पहली बची हुई लॉट है 100 यूनिट्स वो है 10 के हिसाब से 1000 और दूसरी 12 15 तारीख के हिसाब से 1200 और टोटल वैल्यू 2200। फीफो के हिसाब से 3600, लीफो के हिसाब से 2200। क्लियर? यही चीज अगर कह दे कि वेटेड एवरेज के हिसाब से क्या होगी टोटल सर, ये नॉर्मली बात है सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालेंगे और उसका वही फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट निकालने का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल टोटल कॉस्ट 7300, टोटल यूनिट्स 600 डिवाइड क्या आया सर 12.16667। तो 17 कर देता हूँ मैं इसको 12.17 और एंडिंग इन्वेंट्री होगी 200 यूनिट सर 24 24। पार्ट वन के अंदर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन आ जाता था तो क्या था? सबसे पहली बात स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कोई खास पैटर्न नहीं होता था। हमेशा ध्यान में रखो कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन लाजमी बताएगा कि कब कब के यूनिट बचे हुए हैं और कब कब के यूनिट या तो बिक गए। यानी दो बसे बात होगी, या तो बचे हुए बताएगा या बिग गए उनके बारे में, क्योंकि अगर बिग गए बता रहा है तो जो नहीं बिके वो क्या हो गए तो भी आपका, यानी वो स्पेसिफिकली खुद आइडेंटिफाई कर देगा कि किस तारीख के कितने यूनिट बचे। ठीक है, अब मैं वो समझिए कि मैं आपके लिए वो तख्लीक कर रहा हूं, लिखा हुआ होगा हमेशा सवाल के अंदर कि अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है तो इस तरह से सवाल भी ही आने पीछे उन्होंने लिखा होगा। अभी आप देखिएगा जब ये सवाल अटेंड करेंगे तो उसमें ये बात मालूम होगी, लेकिन इस वक्त मैं बोल रहा हूं ये, यानी उसने कह दिया आपको कि भाई जो 100 यूनिट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं जनवरी की 15 के, 50 यूनिट बचे हुए हैं जनवरी की 1 के और 50 यूनिट बचे हुए हैं जनवरी की 30 के। उन्होंने बता दिया कितने यूनिट चाहिए थे 200, उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि 100 वाले इस तारीख के, 50 इस तारीख के, 50 इस तारीख। इसी तरह हो सकता है वो बजाय 100 बचे हुए 200 बचे हुए बताने के बजाय वो 400 बिके हुए का रिपोर्ट कर दिया। तो आप एंडिंग अगर निकाल रहे हैं तो आप मालूम कर सकते हैं ये तो बिके, तो जो नहीं बताया वो क्या हो गए एग्जाम में। तो अगर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं कि जनवरी 1 के बचे हुए हैं 50, उसकी यूनिट कॉस्ट थी 10, वैल्यू आ गई थी 500। क्या खा रहे हो? काफी। क्लास में जल्दी कुछ खाओ तो सबको खिलाओ वरना तुम्हारे पेट में ऐसे मोड़ उठे हैं। मुझे नहीं चाहिए सारी क्लास को अगर है तो, वरना तो गरीब गुरबा हो तो सर नहीं खिलाया। अच्छी बात, ठीक है। 100 12 के हिसाब से 1200 और 30 तारीख के 50 13 के हिसाब से कितना बना? 13 का आधा
600 बस टोटल बना 50 तेईस देख भाई 5 6 7 मुझे पता है तुम अच्छा बोल रहे लेकिन आज दो दफा तुमने मिस पैट की है अभी वहां पे भी लगती हुई थी 6300 बात तो कैमरे भी मैं खोल सकती तो यहां तक मुद्दा सुनाओ ये है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का स्पेसिफिक तरीका क्या समझ में नहीं आया स्पेसिफिक का ये बचा हुआ जो बैलेंस है कहां से लिखा मैंने कैसे आपने लिखा यहां लिख के दिखाया है कि ये लिखा हुआ है क्या कह रहा है जहां पर भी होगा सवाल में वो मेंशन करेगा कि किस तारीख के बिके हैं या किस तारीख के बच गए क्योंकि तीन ऐसे मैं बोल रहा हूं तुमने बीच में नहीं रोका हाँ मुझे मालूम है ठीक है तो ये जहन में रख लो कि वो खुद बता रहे होंगे ठीक है वो कहां बता रहे होंगे वो सब उनकी मर्जी है वो हो सकता है डेटा के फौरन नीचे बता दें हो सकता है रिक्वायरमेंट में जहां स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में कहें उसके साथ बता दें और ज्यादा नहीं बताएंगे क्लियर अच्छा अब एक आखिरी बात सुनिए और तवज्जो से जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं आपको बताऊं इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हम बीकॉम में जब पढ़ रहे होते हैं तो हम ऑब्सोलीट पढ़ रहे होते हैं ऑब्सोलीट का मतलब हम वो चीज पढ़ रहे हैं जो अब खत्म हो चुकी है जो हम इतना फीफो लीफो और करते हैं ये सब चीजें हैं लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर अब इन चीजों का वजूद नहीं खास के लीफो मेथड को इस्तेमाल ही नहीं होता कहीं नहीं जब आप जाएंगे सीए करने एसीसीए करने आईसीए में करने बड़े प्रोफेशनल डिग्री में तो आप देखिएगा कि वहां पर ये सिस्टम मौजूद नहीं होगा वहां पर देखिए बात सुनना है तब तक थोड़ा सुन लो तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो टेक्निकल बात है उसके लिए मुझे मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने दो ताकि बात उलझेगी समझिए ये कि मेथड कहलाता है जो आपके पास पहले तो बल्कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 है जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन को डील करता है कंफ्यूज नहीं होना दुनिया में जब भी हम अकाउंटिंग के बारे में कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके स्टैंडर्ड्स हैं मैं पहले भी एक दफा सुनिश्चित कर चुका हूं IAS IFRS मालूम होना चाहिए जो अकाउंट्स वालों को कि ये दुनिया के अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पहले 70s से शुरू हुआ और जब अकाउंटिंग की टेक्निक्स उसकी चीजों को एक जैसा करने की कोशिश की गई दुनिया भर में तो उस वक्त एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी उन लोगों ने मुख्तलिफ IAS डेवलप किए 1 से शुरू किया उन्होंने 1, 2 और इस तरह वो 37, 38 तक ले गए और बनाते रहे लेकिन फिर 2009 के पास आकर इस चीज को जैसे आप जानते हैं कि हर चीज ऑब्सोलीट हो जाती है वक्त के साथ साथ नए नए चीजों की जरूरत होती है नए नए बिजनेस आ जाते हैं पुराने रूल्स पुराने स्टैंडर्ड्स कहना चाहिए कि कामयाबी से जो कर रहे थे काम वक्त की तब्दीली के साथ साथ क्या होते चले गए नामुनासिब होते गए कंप्यूटर आ गया फंडिंग के अंदर चीजें चेंज हो गई दुनिया एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगी नई नई रिक्वायरमेंट्स आ गए तो क्या हुआ कि उसके बाद ये IAS को खत्म करके IAS को की कमेटी खत्म करके नई कमेटी बनाई गई और उन्होंने शुरू किया क्या IFRS लेकिन जब IFRS का वजूद आता है 2009 में तो उसने चंद IAS को एडॉप्ट किया कहा कि ये वैसे के वैसे ही रहेंगे और फिर उन्होंने नए सिरे से स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के IFRS के नाम से IFRS के नाम से देना शुरू किया ठीक है अब हुआ ये कि लेकिन इन्वेंट्री का जो है वो IAS 2 है डेप्रिसिएशन जो आप पढ़ते हैं वो IAS 16 है आपके पास इसी तरह कैश फ्लो पढ़ेंगे भी एक और टॉपिक आप इसका वो IAS 7 है तो इस तरह से कुछ चीजें चलती नहीं और कुछ चीजें क्या होती जा रही है नई से नई आती जा रही है और हर दिन के साथ आ रही है बल्कि ऐसी बाइक बता दो बड़ा आपको पार्टनरशिप तो भी मैंने मेहनत की आपके साथ क्या बैडेट्स के हवाले से पढ़ाने में अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर सेल्स पे अप्रोच होती है बैलेंस शीट पे अप्रोच होती है ये सब खत्म हो चुका है अब दुनिया में आ चुका है IFRS 9
जो 2020 से एप्लीकेबल है, और 2020 के बाद से ये बैलेंस शीट अप्रोच, ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच सब ऑब्सोलीट हो चुकी है, साइड में फेंक दिया गया है जी। सारी चीजें पढ़ाई जा रही है IFRS 9 के तहत, लेकिन अभी हमारे अकेडमी में ऐसी कोई चीज नहीं है, मगर वैसे मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, अगर आपके दिमाग में डाल दे रहा हूँ ताकि कल को अगर आप में से कोई जाता है आगे एजुकेशन लेने के लिए, तो कम से कम उसके लिए ये बात देखे कि अनोखी या अचंभे की ना हो गया, तो क्या बात कर रहे हैं, हम तो इतनी मेहनत से रट्टा लगा लगा के सर ने सिखाया ये अप्रोच, ये अप्रोच, ये डेबिट होगा तो ऐड करो, ये क्रेडिट होगा तो लेस करो, हमने बोला पाओ हम तो चीता हो गए, लेकिन बात हम तो दुम्बर भी चीता नहीं रहे, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ में कोर्स तकलीफ करना तो नहीं है, मगर जिस हद तक मैं आपको बता सकता हूँ बता देता हूँ। खत्म होती बात यहाँ तक कि अब ये IS-2 के तहत असल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यू, देखो हर IAS का मकसद पता है क्या है, मकसद है कारोबार के मालिक के जिसका पैसा लगा है उसके मुफाद का तहफुज करना, समझते हैं, और ये सारा काम होता है कंपनी की सूरत में, कंपनी में पैसा किसका होता है, शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि एक सोल प्रोप्राइटरशिप तो कोई मान नहीं रखता ना, वो तो जैसे चाहे करे भाई, उसकी अपनी कंपनी है, उसका अपना पैसा है, वो खुद चला रहा है जैसे दिल चाहे शो करे, लेकिन मुश्किल कहां है जहां पैसा किसका है, शेयर होल्डर्स का, लेकिन उस पैसे को इस्तेमाल करके कमाई कौन कर रही है, मैनेजमेंट कर रही है, और वो कौन है, आप और मेरे जैसे प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं जो आके काम कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जरूरी है ना कि उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए कि वो जो काम परफॉर्म कर रहे हैं वो शेयर होल्डर्स की क्या हो, बेनिफिट हो, और शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर यानी ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तरतीब दी जाए जिससे हर चीज वाजे तौर पर सही जाए हो। अब इन्वेंट्री खरीदी जाती है साल के शुरू में तो प्राइस कुछ और होती है, साल के आखिर तक प्राइस कुछ और होती है, हम ये फीफो लीफो वेटेड एवरेज के चक्कर में पड़ के अगर इन्वेंट्री की वैल्यू वो शो कर दें जो पुरानी वैल्यू है तो क्या वो कंपनी की मालियत को सही डिफाइन कर सकेगी, अरे मेरी बात समझ में, फीफो लीफो गलत नहीं है, फीफो भी है सही है, लीफो भी सही है, वेटेड एवरेज भी सही है, लेकिन जरा सोचो कि ये मालियत ये वैल्यूज कब थी, साल के शुरू में, साल के आखिर तक आते आते तक तो पूरी दुनिया क्या हो चुकी होगी, वैल्यूज कहां से कहां पहुंच गई होंगी, तो क्या होता है, तो कहता है रिप्लेसमेंट वैल्यू लो, जिसमें एक चीज आती है बाद का जिसमें एक पढ़ाते हुए LCM कि अगर मैं अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू शो कर रहा हूं 2200 फीफो मेथड से, फीफो मेथड से या 2600 फीफो मेथड से, तो क्या ये 2600 बाकी आज भी बिक सकेगी 2600 में, कैसे पता चलेगा, जाकर मार्केट में मालूम तो करो कि आज इस तारीख को इन्वेंट्री मार्केट में ये वाली कितनी की अवेलेबल है, तो नॉर्मली रिप्लेसमेंट मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू के साथ क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, कब, जब बैलेंस शीट पर उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, ताकि बैलेंस शीट वो वैल्यू दिखाए जो वैल्यू करंट रिफ्लेक्ट हो सके, पुरानी वैल्यू को लेकर हमने अचार नहीं डालना, हमें ताक नहीं मिलेगी, मैं तो सस्ता खरीद दिया था भाई, खरीदे तो बढ़े तो लगे थे उस वक्त भी, अगर ये चीज बढ़ी है तो सिर्फ यही नहीं बढ़ी होगी, उसके साथ दूसरी चीजें भी बढ़ी होगी, सोचो पेट्रोल की इन्वेंट्री बढ़ती है तो उसके साथ साथ सारी प्राइस मार्केट बढ़ जाती है, तो इसलिए रिप्लेसमेंट होता है, उसी में से एक आता है मेथड, उसी का एक भाषा है जिसको कहते हैं क्या LCM, LCM कहलाता है लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू के बाद औकात बाज चीजों में हम ऐसे डील करते हैं, ऐसी इन्वेंट्री में डील करते हैं जिसकी प्राइस कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे जाती है, गोल्ड की प्राइसेस, अब ये हमारे पास नसीब है कि हम एक पाकिस्तान के कैसे खरीदते हैं, मतलब जहां हम कम होते हुए बहुत कम देखते हैं, हम तो बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो ममालिक तो होता है हमारी इकोनॉमी है ना, हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो हर चीज क्या हो रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है, जिस दिन आप स्टेबल इकोनॉमी में बैठे होंगे तो आप देखिएगा कि डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर का रोल होता है, और वो रोल क्या होता है, कभी प्राइसेस को ऊपर ले जाता है, कभी प्राइसेस को नीचे ले जाता है, तो अगर एक इन्वेंट्री फीफो के हिसाब से 13 रुपए की थी लेकिन आज उसकी वैल्यू 13 की नहीं है 10 की है, तो 13 शो करना सही होगा नहीं, तो फिर वहां पर ये रूल अप्लाई होता है कौन सा LCM का, लेकिन ये जहन में रखिए पहली इन्वेंट्री की फर्स्ट वैल्यूएशन इनमें से किसी पे हो जाती है, फिर दोहरा रहा हूं मैं आपकी बात, इन्वेंट्री की पहली वैल्यूएशन किस पर हो गई, इन पे कर दी गई, फीफो से कर दी गई,
फोर से कर दी गई, एवरेज से कर दी गई, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन से कर दी। अब शो करना है किसने, बैलेंस शीट में। तो कौन सी वैल्यू शो करें, नहीं बताए तो लाभ की सी बात है, उस चीज को कंपेयर किया जाएगा बचे हुए यूनिट्स को किसके साथ, मार्केट के साथ, और वो रिप्लेसमेंट वैल्यूज के साथ होगा। अब देखिए इस बात के बाद इस सवाल को, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कैमरा ऑफ करके दूंगा क्योंकि वो इतना लंबा होगा कि मैं फिर सब मेरी बात में विस्तार जाएगी। ठीक है, अभी सुनो सवाल प्लीज। द मेलकानी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं कौन से ईयर का, 2005 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 5 है। ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन मेड द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ मटेरियल एंड पुट द फॉलोइंग यूनिट्स मटेरियल इनटू प्रोडक्शन। आप देखिए आपको बताया हुआ है, पहले पर्टिकुलर बताया हुआ जिसमें इन्वेंट्री ऑन बिगिनिंग के यूनिट्स है, ऑब्वियसली समझ में आ रही है, डेट बताई गई है 4 जनवरी है मेरे ख्याल है, है ना, यानी अप्रैल 1st है, 4 पहले महीना पहले दिया हुआ है तो 4 अप्रैल 1st है, फिर परचेज है अप्रैल 8 को, फिर 2 इश्यूड है, फिर 2 परचेजेस है और आखिर में फिर इश्यूड है। अच्छा आप देखिए कि यूनिट परचेज बताए हुए उन्होंने आपको, परचेजे बताए हुए, उनकी कॉस्ट पर यूनिट बताई हुई है, उसके बाद यूनिट्स इश्यूड बताए गए। ठीक है, नीचे क्या कह रहा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑन अप्रैल 30 इज 27। ये क्या है, अगर आप परचेजिंग प्राइस देखें तो शुरू में 25 है, फिर 26 है, बीच में 28 हो गई और आखिर वाली कितने की है, 27 की है। सही है, यानी डिफरेंट प्राइसेस हैं। और रिप्लेसमेंट क्या मतलब क्या हुआ, वो कौन सी प्राइस है, कि आज जिस दिन बैठकर वैल्यूएशन कर रहे हैं उस दिन अगर जाए मार्केट में तो ये सारी इन्वेंट्री कितने की मिलेगी, 27 दिया हुआ उन्होंने रिप्लेसमेंट। अब रिक्वायर्ड करेंगे, कंप्यूट द एंडिंग मटेरियल इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड फॉर अप्रैल अंडर द फॉलोइंग मेथड, यूटिलाइजिंग द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बाय अप्लाइंग LCM रूल। ठीक है, यानी कौन सा, लोअर कॉस्ट और मार्केट। अच्छा बी, पहले पहले ए कर ले फिर हम डी की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, पहला काम क्या कीजिए, इसी तरह का एक पहले क्या प्रिपेयर करेंगे, शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे इसको लेकर, सिर्फ जो यूनिट्स रिसीव। पहला कॉलम कंपनी का नाम लिख लीजिए और फिर लिख लीजिए शेड्यूल ऑफ टोटल यूनिट्स रिसीव्ड, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं यूनिट्स क्या परचेज फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30 जो पीरियड है, इतना टाइम है मेरे पास, टाइम तो खत्म हो गया। यस सर, आज रोक देता हूं उसको, नहीं कराता हूं। ठीक है सर, क्योंकि फिर बात खराब हो जाएगी ना बीच में। लेकिन आइडिया समझ में आ गया आप लोगों को, यानी करना क्या होता है कि बेसिकली हम इन्वेंट्री की क्या निकालेंगे वैल्यू, लेकिन ये वाली बात डिस्ट्रॉय करना, इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से कि ये जो मैंने आपको समझाया था, और अगर मतलब अभी आपको नोट करने का मौका नहीं मिला है तो वो वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा। लेकिन इसी चीज को, क्योंकि मैं शुरू नहीं कर रहा क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं कर सकूंगा तो बेकार है, कल मैं इसी चीज को करूंगा। लेकिन यार आई होप के इस क्लास में आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो फिर हम बड़ी सहूलत के साथ इस चीज को कर सकेंगे। अगर आप कंप्लीट कर सके तो ये जरूर कंप्लीट कर लीजिए, जो अभी कर रहा हूं ये क्या होगा कल मैं देख लीजिए, यहीं पर रोकूंगा। डेट पर्टिकुलर या टाइम इशू है, आप लोग घर वाले आ जाएंगे, कोचिंग वाले भी खड़े जाएंगे, बड़ा आके देखता हूं कितना कह सकता हूं। यूनिट यूनिट कॉस्ट और लास्टली टोटल कॉस्ट, चलो तीस दो देखें शायद हो जाए। सबसे पहले बताओ जनवरी 1st में बैलेंस में कितने यूनिट पड़े थे, क्या 50 यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 25 मल्टीप्लाई कर देते थे शायद 50 × 25। वीडियो चल रही है ना भाई, मजा देखो। यस बॉस, क्योंकि तुमने नोट नहीं करो तो बाद में रिवीजन करेंगे। 50 25 कितना हुआ, 12 50। ठीक है, जनवरी 1st के बाद हमने परचेस किए
अप्रैल की चार आठ, अप्रैल की आठ को परचेजेस, अब याद रखना कि इस वक्त क्योंकि उन्होंने परचेजेस का गलत इस्तेमाल किया तो मैं परचेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं। 25 यूनिट्स 26 के हिसाब से बोलो जल्दी से, 650 नौ आठ के बाद शून्य इशू छोड़ दो, 24 चौबीस और 28 कितने यूनिट, 30 10 कितने के हिसाब से, 28 और 27 के हिसाब से बताओ, 840 270 टोटल कर लो, 75 85 और 30 105 या 115 1250 650 840 3000 अब ये हो गया आपके 115 यूनिट थे। अब आप देखिए कि आपने एक इशू की आप एक अपने पास डिटेल बना लीजिए, पहला इशू कब हुआ, अप्रैल की 10 तारीख को, कितने यूनिट इशू हुए, 15 और फिर शुरू हुआ अप्रैल 18 को, कितने यूनिट्स, 20, फिर आखिरी इशू हुआ 30 तारीख को और उसमें इशू किया हमने 30 यूनिट, कितने हो गए, 60 और 65 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इशू, ठीक है, कितने यूनिट्स से टोटल 115, कितने इशू हुए 65, कितने बचे एंडिंग यूनिट्स 115 से माइनस कर उससे 65 और टोटल यूनिट माइनस इशू यूनिट्स 50, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, कौन से मेथड से, लोयर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मेथड से, बाय अप्लाइंग कौन सा रूल, एलसीएम रूल। अच्छा अब इसमें इन्होंने कोई मेंशन किया कोई मेथड है पीरियोडिक के, वो फीफो या लीफो कोई मेथड मेंशन किया, नहीं पीरियोडिक तो है, फीफो लीफो कोई मेंशन किया, नहीं मेंशन किया, जब कुछ मेंशन नहीं कर रहे हम निकालना चाह रहे हैं कंपटीशन फॉर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, देखिए जरा और से, जब कोई मेंशन नहीं करता तो सबसे नॉर्मल मेथड कौन सा है, पहले फीफो से हम एंडिंग इन्वेंट्री निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि एलसीएम अकेले नहीं हो सकता, एलसीएम को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा लोअर कॉस्ट और मार्केट, तो अब देखिए पहले पहले निकालिए नॉर्मल कॉस्ट निकालिए, बताइए कितने बचे हुए 50, फीफो में बचे हुए कौन से होंगे, एंडिंग शुरू वाले आखिर वाले, लास्ट वाले, तो इसका मतलब है बचा हुआ 10 ये होगा और बाकी 30 और 40 और 10 वहां से, यानी जनवरी 8 की परचेजेस के बचे हुए होंगे कितने, 10 26 के, जनवरी जनवरी दिमाग में सवाल हो चुका है, अप्रैल है भाई, अप्रैल की 24 की परचेजेस के बचे हुए होंगे 30, 28 के और अप्रैल 28 तारीख के 10 बचे हुए होंगे 27 के सबसे, ये दोनों तो वैसे ही आ जाएंगे 840 270 और ये कितना 260, टोटल क्या बना, टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय फीफो मेथड कितना, 1370। तो फीफो से क्या वैल्यू आ गई, कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई मैंने, हो सकता है अगर वो लिख नहीं रहा फीफो तो फीफो से कर रहे, हो सकता है अगर वो लीफो लिख दे यहाँ पे किसे करना, फीफो से करना, हो सकता है वो यहाँ पे वो कह दे कि वैल्यू डैमेज से करो, डैमेज से कर देना, ठीक है, लेकिन अब निकालो क्या
रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। क्या बताया था? सब भूल जाओ। आज इन्वेंट्री लेने जाएंगे तो कितने की मिलेगी? ये 50 इन्वेंट्री। नीचे की प्राइस लिखी हुई थी रिप्लेसमेंट की, कितनी? 27। तो इसका मतलब है ना, ऊपर से लेना 50 को 27 से मल्टीप्लाई करो, क्या वैल्यू बनती है? 1350। अब देखिए दो वैल्यू आ गई आपके पास, आपने फीफो से निकाला तो आपके पास आई 1370 और रिप्लेसमेंट वैल्यू पे निकाला तो वो आया 1350। कौन सा मेथड है? क्या लिखा था? बाय कौन सा लागू था? क्या मतलब? लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस ये है और कॉस्ट ये है, विच वन इज लोअर? कौन सा है इन दोनों में लोअर? इसका मतलब है इस मेथड समझिए, ये रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट की वैल्यू किस तरह की? सुनता नहीं है, लिखने में लगा हुआ था। सर सुन रहा था तो बताए कितने यूनिट है? 50। नीचे लाइन में लिखा हुआ था कि अगर आज खरीदने जाए 50 यूनिट तो कितने के मिलेंगे? सवाल में तो भाई 50 को डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इसमें कोई ज्यादा कम नहीं है। आज लेने जाएंगे तो ये वैल्यू, अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू है तो क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय क्या? कौन सी? दिस इज द टैक्स ऑफ, ये है बस। आई बात समझ में? तो मैंने जैसा कहा कि कभी भी एलसीएम अकेले नहीं अप्लाई होगा, एलसीएम अप्लाई होगा हमेशा किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन में, और वो किसके साथ? या तो लीफो के साथ, या तो लीफो के साथ, या तो अब यहां उन्होंने लिखा नहीं था तो हम जानते हैं कि अगर कुछ ना लिखे तो नॉर्मल प्रोसीजर में सबसे पहला मेथड होता है और उसी को यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यही तक बोलता हूं, कल इसी को फिर मैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के साथ। ठीक है, थैंक यू। क्या मुश्किल है?